केम छो गुजरात, दिव्यता, भव्यता और सांस्कृतिक विरासत की भूमि गुजरात। पिछले 10 वर्ष गुजरात के लिए बेहद ऐतिहासिक रहे। गुजरात में चौतरफा विकास सुनिश्चित हुआ है। राज्य के इस विकास गाथा में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए एक स्ट्रॉन्ग साझेदार रही है हमारी भारतीय रेल। रेल परियोजनाओं एवं रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए राज्य में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। गुजरात का गौरव बीते 2 दशक में जो तेज विकास हुआ है, सबका विकास है और इस विकास से पैदा हुई नई आकांक्षाएं। आज प्रधानमंत्री जी गुजरात को देने जा रहे हैं लगभग 1,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात एवं गुजरात वासियों को नमो भारत रैपिड रेल के साथ ही देशवासियों को 6 वंदे भारत एक्सप्रेस का उपहार। भुज और अहमदाबाद के बीच संचालित की जा रही नमो भारत रैपिड रेल स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। इसे कम दूरी के शहरों के बीच संचालित करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसमें है आरामदायक सीटों, लगेज रैक, स्वचालित दरवाजे, सीसीटीवी कैमरे, इमरजेंसी टॉक बैक जैसी विश्व स्तरीय यात्री सुविधाएं। अहमदाबाद की धरती से आज प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है नागपुर सिकंदराबाद, कोल्हापुर पुणे, आगरा कैंट बनारस, दुर्ग विशाखापट्टनम, पुणे हुबली वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ। और दिखाई जा रही है देश की पहली 20 कोचों वाली वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी। साथ ही प्रधानमंत्री जी द्वारा आज किया जा रहा है कच्छ जिले में समाख्याली गांधीधाम रेल लाइन चौहरीकरण परियोजना एवं गांधीधाम आदिपुर रेल लाइन चौहरीकरण परियोजना का शिलान्यास। इन परियोजनाओं से कच्छ समेत पूरे राज्य में रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। गुजरात वासियों समेत पूरे देश के लोगों को दी जा रही इन सौगातों से विकसित भारत का संकल्प होगा सशक्त और आर्थिक विकास को मिलेगी रफ्तार।